वर्धमान जी और हमारे वो नौजवान जिन्होंने आज शहीदों को याद किया है, यूथ क्लब के हमारे प्रेसिडेंट, उनके ऑफिस बेरर और वो हमारे शहीदों के परिवार जिन्होंने मातृभूमि की सीमाओं की, मातृभूमि की आजादी की रक्षा करते हुए, किसी ने 65 के युद्ध में, किसी ने छत्तीसगढ़ में नक्सलाइटों से लड़ते हुए, किसी ने कश्मीर के अंदर अपनी मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करते हुए शहादत और कुर्बानी दे दी, मैं उनको सलूट करता हूं। बख्शी साहब कुछ बातें कह करके चले गए और कुछ ऐसे मुद्दों की बात की जो जिसमें बहुत बड़ी सच्चाई थी। हम कितनी देर तक ये शहादतें, ये बहनों के उजड़े हुए सुहाग देखते रहेंगे, बच्चों को यतीम होते देखते रहेंगे? इतना बड़ा हमारा देश कई सालों से, कई वक्तों से देख रहा हूं, बचपन से लेके आज तक कुर्बानियां ही कुर्बानियां हैं, शहादतें ही शहादतें हैं। और शहीदों के परिवारों को बड़े बड़े नजदीकियों से देखा है, उनकी पीड़ा को सुना है। जब उनकी शहादत होती, उनकी बॉडी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून के तिरंगे झंडे में लिपटी हुई आती है, उस वक्त क्या हालत होती है, उस परिवार पे क्या गुजरती है। और पॉलिटिशियन मंत्री वहां पहुंचते हैं, फोटो खींचती है, अखबारों में आती है, चैनलों में आती है, पर इन परिवारों को 3 महीने के बाद कुछ पूछता नहीं है, मैंने ये सच्चाई जिंदगी की देखी है। कुरुक्षेत्रा का मनदीप सिंह, उस जवान के पाकिस्तान ने टुकड़े टुकड़े कर दिए। एक चैनल के अंदर डिबेट चल रही थी, बॉडी अभी उसकी आई नहीं थी जम्मू कश्मीर से, और सब मंत्री पहुंचे हुए थे, बड़े बड़े नेता हर पॉलिटिकल पार्टी के पहुंचे हुए थे। मैंने चैनल में कहा था अभी तो सब आएंगे, पर 2 महीने के बाद इस परिवार को कोई नहीं पूछेगा। अगले दिन मैं भी जाता हूं, चीफ मिनिस्टर हरियाणा पहुंचते हैं, पूरा मंत्रिमंडल पहुंचता है, उस विधवा को रोते हुए देखता हूं, उसकी पीड़ा को देखता हूं और मन मन में सोचता हूं, ये शहादतों का मेला है, सब पहुंचेंगे पर इस मेरी बहन को कुछ पूछेगा नहीं कुछ समय के बाद। ये मैं हरियाणा की बात शुरू करता हूं, अब की बात शुरू करता हूं। 4 महीने के बाद उस मनदीप सिंह की पत्नी का मुझे फोन आता है, भैया हमारे पति ने मातृभूमि के लिए शहादत दी है, पैसे के लिए कुर्बानी नहीं दी है, मौत का कफन बांध के गया था मेरा पति, किसी बाप का बेटा मौत का कफन बांध के कुर्बानी देने गया था, हमारी जो सरकार ने 50 लाख की राशि का ऐलान करके गए थे अभी तक मिला नहीं। मैं सरकार के नुमाइंदे से फोन करता हूं, अभी टाइम लगेगा, फाइल दिल्ली में है, फाइल चंडीगढ़ में है, मेरे जनरल सेक्रेटरी भारद्वाज इनको मैं कहता हूं डिफेंस मिनिस्ट्री में जाओ, जो काम हरियाणा सरकार का था, अधिकारियों का था, वो काम ऑफिस से मेरा दोस्त जाता है और फाइल निकालता है, फाइल सरकार के पास पहुंचती है, हरियाणा सेक्रेटरीट के पास, पैसे नहीं मिले। जब पता चला कि हम कुरुक्षेत्रा में जाने वाले हैं तो रेड क्रॉस फंड से 50 लाख की राशि दे दी गई, जलील करके उस मनदीप सिंह की वाइफ का, उसकी शहादत का अपमान किया गया।
सरकार करके गई, मनदीप सिंह के भाई को भी नौकरी मिलेगी, मनदीप सिंह की पत्नी एमए पास, कौन सी नौकरी करती है, हरियाणा पुलिस के अंदर कांस्टेबल की नौकरी करती है। अरे कांस्टेबल की नौकरी से एमए पास, जिसके पति के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, उसको आप डीएसपी भी बना सकते, उसको आप इंस्पेक्टर भी बना सकते। अभी तक वो परिवार कुरुक्षेत्र के अंदर जलील हो रहा है। ये हमारे हिंदुस्तान की तस्वीर है। बड़ी बड़ी बातें करनी बड़ी आसान है, चाहते कुर्बानी बहुत देख चुके। हम कब सुधरेंगे, सबसे पहला सवाल हमारे अंदर है, हम कब सुधरेंगे। ये सरकारें उसकी बॉडी के साथ भी बर्बरता की गई। एक बिहार का, एक वहां पे पंजाब का चीफ मिनिस्टर गया वहां पे, एक बेटी को, अभी छोटे हैं, जब बड़ी हो जाएगी नायब तहसीलदार की नौकरी का ऐलान कर दिया। बेटा छोटा है, फ्री एजुकेशन सरकार की तरफ से होगी, सब इंस्पेक्टर की नौकरी का ऐलान कर दिया। इसको कहते हैं कमिटमेंट। ये कमिटमेंट नहीं है कि आप उसकी बॉडी के आगे, आप मीडिया के आगे ऐलान कर दो